स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल एजुकेशन पॉइंट पर। फ्रेंड्स, आज हम करेंगे क्लास 12th के हिंदी इलेक्टिव में जो अभिव्यक्ति और माध्यम की जो किताब है उसका चैप्टर करेंगे। तो देखिए, ये जो चैप्टर है इसमें हम नाटक के बारे में पढ़ेंगे, मतलब कि जो चैप्टर है वो नाटक है, उसका विषय ही नाटक है। जो नाटक है उसके विषय में पढ़ना है कि नाटक क्या है, उसके प्रमुख तत्व क्या हैं। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए, नाटक के जो प्रमुख तत्व कहा जा सकता है या फिर उसके अंग क्या हैं, तो सबसे पहले हमें देखना होगा कि नाटक क्या होते हैं। आपने कभी ना कभी नाटक पढ़े होंगे, या फिर नहीं पढ़े तो नाटक देखा होगा, या फिर आपने कभी अपने स्कूल में देखा होगा, या फिर आपने भी कभी ना कभी उसमें भाग लिया होगा। हो सकता है ऐसा, और ना देखा हो ना किया हो तो कोई बात नहीं, आप किसी नाटक को पढ़ के देख सकते हैं। जो नाटक होते हैं वो हमारे, या फिर आपने कभी ना कभी जो नाटक है उसका मंचन देखा होगा। ना तो अगर आप जो सीरियल्स आते हैं टीवी पर, हम उन्हें हिंदी में नाटक ही कहेंगे, तो जो सीरियल्स आते हैं उसमें क्या होता है, वो भी तो एक नौटंकी होती है। इसी तरीके से नाटक होते हैं, नाटकों की भी क्या होती है, कहानी होती है। जिस प्रकार से जो साहित्य होता है, जो कहानियां होती हैं, या फिर जो उपन्यास होते हैं, उनमें भी क्या होती है, एक स्टोरी होती है, कहानी होती है। तो जो उपन्यास होते हैं, जो नॉवेल्स होती हैं, उपन्यास को इंग्लिश में नॉवेल कहा जाता है, तो जो नॉवेल होती है वह उसमें क्या होता है, उसमें केवल हम क्या कर सकते हैं, उसे पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं। पर जो नाटक होता है, वह गद्य, जितने भी गद्य हैं, गद्य किन्हें कहा जाता है, जो पढ़े जाते हैं, जिसमें उपन्यास आती है, जिसमें कहानियां आती हैं, तो ये चीजें हमारी क्या होती है, ये चीजें हमारी गद्य होती हैं, तो आपको याद रखना है। और जो पद होते हैं वो क्या होते हैं, वो हमारे जो कविताएं होती हैं वो इनमें आती हैं। जब तक अगर नाटक के विषय में अगर डेफिनेशन आपसे शॉर्ट में पूछी जाए, तो आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे कि जो उपन्यास है, जो कहानी है, उससे अलग नाटक होता है। आप तो अभी जो मैंने आपको बताया, तो उससे आपको यही समझ में आया होगा कि जो नाटक है उसमें क्या होती है, स्टोरी होती है। पर अगर जो उपन्यास है और जो नाटक है, उन दोनों में ही स्टोरी होती है, उन दोनों में ही कहानी होती है किसी भी विषय पर, किसी भी समस्या पर, तो उन दोनों में अंतर क्या है, हम नाटक उपन्यास क्यों नहीं कहते हैं। इसमें एक अंतर यहाँ पर यह है कि जो नाटक है, नाटक जब तक नहीं कहलाया जाता है जब तक उसका मंचन नहीं किया जाता है, मतलब कि जब तक जो मंच होता है उस पर उसे प्रस्तुत नहीं किया जाता है, तब तक वह नाटक नहीं कहलाता है सही मायने में। तो जो नाटक है वह कैसा होता है, वह दृश्य होता है, हम देखते हैं नाटक को जब उसका मंचन होता है मंच पर। तो आपको याद रखना है, मंचन होता है मंच पर, तो उसे हम क्या करते हैं, उसे देखते हैं, तो वह दृश्य है। और इसके साथ साथ हम उसे सुनते भी हैं। अगर ये तो हो गया मंचन के समय, अगर जो आपके पास एक नाटक है जो लिखा गया होगा आपके किताब में, आपने 11th क्लास में जो आपकी अंडे के छिलके उसमें भी देख सकते हैं, जो अंडे के छिलके आपके किताब में लगाया गया है, आपकी बुक में लगाया गया है, वो चैप्टर नाटक के रूप में प्रस्तुत किया गया है। जब आप उस चैप्टर को पढ़ रहे थे तो आपने देखा होगा कि यहाँ पर जो जितने भी पात्र थे उनके नाम इस प्रकार से यहाँ पर लिखे गए थे, और फिर उन्होंने जो कहा था या फिर जो सोचा था उनके बारे में लिखा गया था। तो इससे आपको आपके सामने चित्र प्रस्तुत हो गए होंगे उनका, आपके सामने जो नाटक था वो प्रस्तुत हो गया होगा। तो जो नाटक है वह दृश्य भी होता है, श्रव्य भी होता है, सुनने वाला भी होता है उसमें गुण, और साथ ही साथ इसमें तो ये क्या हो गया, इसमें आपने आप पढ़ सकते हैं, तो इसमें क्या हो गया, पढ़ने वाला हो गया। सुनने वाला किस प्रकार से हुआ, जब आप नाटक कोई मंचन हो रहा है उसका मंच पर, तो क्या है, आप उसे देख रहे हैं और सुन रहे हैं। अगर आपको आप इसका दूसरा ले सकते हैं हम, कि अगर कोई भी पढ़ के सुना रहा है, जैसे कोई रीडिंग कर रहा है आपकी क्लास में अंडे के छिलके, तो वो क्या हो गया, आप उसे सुन रहे हैं, तो ये सुनने वाला भी हो गया। तो जो नाटक है उसमें तीन गुण विद्यमान होते हैं जो इसे गद्य विधाओं से क्या करता है, अलग करता है।
और इसका सबसे मेन चीज होती है कि इसका जब तक मंच पर मंचन नहीं किया जाता है तब तक नाटक नाटक नहीं कहलाता है। अब देखते हैं इसके तत्व या फिर अंग कौन कौन से होते हैं। अगर एक जो नाटक है उसे मंच पर प्रस्तुत किया जा रहा है या फिर नाटक बनाया जा रहा है तो उस नाटक को कब तक नाटक पूर्ण नहीं मानेंगे हम, तो कुछ बातें होनी चाहिए ना, तो ये बातें यहाँ पर है। तो देखिए एक एक करके देखते हैं, इसे आप ज्यादा गहराई में मत जाइए, इसकी बस आपको इसकी जो ऊपरी समझ है वो प्राप्त करनी है। तो देखिए समय का बंधन, जो नाटक है उसमें क्या होता है, समय के जो समय है उसका बंधन होता है, मतलब कि समय को ध्यान में रखना होता है कि किस समय तक जो नाटक है उसमें किस समय तक कौन सी बात आनी चाहिए, किस समय पर कौन सी बात आनी चाहिए। और साथ ही साथ यह भी ध्यान रखा जाता है, एक नाटककार के द्वारा यह भी ध्यान रखा जाता है कि उसकी समय सीमा कितनी होनी चाहिए, कब वह जो नाटक है वह खत्म हो जाना चाहिए, कब उसमें क्लाइमेक्स आना चाहिए, मतलब कि कब उसमें ट्विस्ट आना चाहिए। इस तरीके की जो बातें हैं वो नाटक के समय, नाटक की रचना करते समय ध्यान रखी जाती है, उसी समय उसी टाइम पर ध्यान रखी जाती है कि जो समय है वो किस प्रकार का होगा, कब किसका डायलॉग आएगा। अब देखिए शब्द, जो शब्द है उसका नाटक में बड़ा महत्व है, जो शब्द है उनकी बहुत महत्व है नाटक में, क्योंकि अगर जो शब्द सटीक नहीं लिए जाएंगे, सरल नहीं लिए जाएंगे, जिस समय पर जिस शब्द का उपयोग करना है वो नहीं किया जाएगा तो नाटक क्या है वो फीका पड़ जाएगा, उसमें रोचकता खत्म हो जाएगी, देखने में मजा नहीं आएगा ना पढ़ने में मजा आएगा। अगर मान लीजिए कहीं पर आश्चर्य दिखाने की बात है तो वहां पर ऐसे शब्दों का प्रयोग करना चाहिए जैसे कि अरे ये क्या है, इस तरीके के शब्दों का अगर हम प्रयोग नहीं करेंगे तो पता कैसे चलेगा। ये जो कुछ आम बोलचाल की जो भाषा में जो शब्द प्रयोग किए जाते हैं उनका प्रयोग इस नाटकों में किया जाता है, जिससे कि क्या लगे हमें, जो नाटक है हमारे आस पास ही घटित हो रहा है। आगे देखिए कथ्य, जो कथ्य है वो भी महत्वपूर्ण है, यहाँ पर जितनी भी चीजें हैं वो एक नाटक के लिए महत्वपूर्ण है। जो कथ्य है, कथ्य को अगर हम सही तरीके से समझे तो कथ्य क्या होता है, कथा होती है जो कहानी नाटक के लिए रची जा रही है। अगर हमें नाटक तैयार करना है तो कोई ना कोई कहानी तो सोचनी पड़ेगी, उसके ऊपर ही तो हम डायलॉग्स लिखेंगे ना उसके, तो जो कहानी है उसको ही क्या कहा जाता है, जो कथा है, कहानी नहीं बोलेंगे, जो कथा है उसको ही क्या कहा जाता है, कथ्य कहा जाता है। तो जो कथा है वो भी कैसी होनी चाहिए, जबरदस्त होनी चाहिए, जिसमें अगर आप कोई रोमांचक सी कोई अच्छी सी कोई कथा नहीं सोच पाएंगे तो आपका नाटक बन कर भी क्या रहेगा, अधूरा रह जाएगा। अगर आपके कथा में कोई दम नहीं होगा, आपके कथ्य में कोई दम नहीं होगा तो आपका नाटक फीका रह जाएगा, उसको देखने में उसको देख कर किसी को भी मजा नहीं आएगा। देखिए अब अगला संवाद, जो संवाद है, संवाद क्या होता है, बातचीत करना। हम सभी जानते हैं कि जो नाटक है उसमें क्या होता है, लेखक अपनी, लेखक की कोई भूमिका नहीं होती है, लेखक उसमें अपने विचार प्रकट नहीं करता है। तो अगर आप कहानी पढ़ते हैं, आपके चैप्टर्स भी हैं, पाठ भी हैं, तो आप पढ़ते हैं, तो उसमें क्या होता है, बहुत बार जो लेखक होता है वो क्या करता है, अपने मन के विचार वहां पर लिख देता है। पर क्या है, यहाँ पर जो नाटक होते हैं उनमें जो लेखक है, जो नाटककार है, जो उसकी रचना कर रहा है, तो वो वहां पर अपने मन के विचार नहीं लिख पाता है। तो वो क्या करता है, उसमें जो आपस में बातचीत कर रहे होते हैं, जो आपस में संवाद कर रहे होते हैं, उनके डायलॉग्स के द्वारा अपनी बात वहां पर प्रकट करता है। तो जो संवाद है वो भी क्या है, वहां पर महत्वपूर्ण है। और साथ ही साथ जो आपस में वो बातचीत करते हैं उससे क्या होता है, रोमांच में भी वृद्धि होती है, जब दर्शकगण उसे देखते हैं तो उनके रोमांच में भी वृद्धि होती है। तो ये हो गया संवाद। अब देखिए द्वंद्व, द्वंद्व क्या होता है, द्वंद्व को अगर मैं इजी तरीके से, आसान तरीके से आपको बताऊं तो द्वंद्व होता है ट्विस्ट। इसका मतलब होता है कि कुछ ना कुछ रोमांच डालना, ऐसा कुछ डालना, अगर कथा आपकी सीधी सीधी लिखी जाए उसमें कोई भी रुकावट ना आए तो क्या होगा, आपको मजा नहीं आएगा। या फिर अगर आप कोई मूवी देख रहे हैं, कोई सीरियल देख रहे हैं, अगर उसमें कोई भी ट्विस्ट ना हो, जो कहानी में कोई भी खलनायक ना हो,
तो क्या होगा, कोई भी किसी का दुश्मन ना हो, खलनायक ना हो, तो क्या हम उनकी रोजमर्रा की जिंदगी के बारे में जानने के लिए उसे देख रहे हैं? बिल्कुल भी नहीं। हम रोमांच प्राप्त करने के लिए देख रहे हैं। अगर ट्विस्ट आता है तो हम बार बार क्या सोचते हैं, इसके बाद क्या होगा, इसके बाद क्या होगा, ऐसा हमारे मन में विचार आता है ना। अगर हम कोई भी कहानी पढ़ते हैं, कोई भी नाटक देखते हैं, कोई भी अगर हम मूवी देखते हैं, तो उसमें क्या होता है, हमारे मन में उत्सुकता लाने के लिए उसमें द्वंद का होना अति आवश्यक है। तो द्वंद के बिना जो नाटक है वो भी अधूरा रहेगा। तो उत्सुकता, यहाँ पर जो उत्सुकता शब्द है, इन शब्दों का आप नोट कर लीजिएगा साथ साथ में, जिससे कि आपको क्या रहे, आपको इसके एक्सप्लेनेशन करने में आसानी रहे। उन शब्दों का अगर आप प्रयोग करेंगे तो आपका जो आंसर है वो बेस्ट बन जाएगा। अब देखिए, चरित्र योजना, जो चरित्र योजना है, जो चरित्र से ही आप समझ रहे हैं, किसी का चरित्र करना, मतलब कि जो पात्र होते हैं नाटकों में, जो पात्र होते हैं, पात्र क्या होते हैं, पात्र होते हैं, जैसे कि कोई भी कहानी है उसमें अगर कोई शीला है, कोई सीता है, कोई राम है, तो ये क्या है, पात्र है। अगर हम रामायण की बात करते हैं तो उसमें क्या है, उसमें राम है एक, सीता है, रावण है, तो ये क्या है, उसमें पात्र है, अलग अलग व्यक्ति हैं उसमें, अलग अलग इंसान हैं, उनको पात्र में ढाला गया है। तो इसी तरीके से जो रामायण का जो मंचन किया जाता है मंच पर, तो उसी चीज को अगर आप ध्यान में रखेंगे तो उससे भी आपको समझ में आ जाएगा। या फिर कोई भी मूवी ले सकते हैं जिसे आप ध्यान में रख सकते हैं, या फिर कोई भी सीरियल ले सकते हैं। मैंने यहाँ पर रामायण का एग्जाम्पल इसलिए लिया क्योंकि इससे हम ज्यादातर परिचित रहते हैं, कभी ना कभी हमने देख रखी होती है या फिर कभी ना कभी पढ़ रखी होती है। और पहले तो जो रामायण है उसकी एक किताब भी थी, महाभारत रामायण की बुक भी आपके सिलेबस में लगी हुई थी, अब तो वो हट चुकी है, चलिए कोई बात नहीं। तो जो रामायण है उसमें क्या है, एक राम है और एक रावण है। तो उसमें क्या है, अगर कोई भी नाटक लिखा जा रहा है, कोई भी कहानी बनाई जा रही है, कोई भी उपन्यास तैयार किया जा रहा है, तो उसमें क्या किया जाता है, चरित्र योजना की जाती है, कौन उसमें मेन रहेगा, कौन मेन रोल निभाएगा और उस मेन रोल को कैसे निखारा जाए। हमें कैसे पता चलेगा कि राम कौन है, राम अच्छा, राम मेन है, ऐसे हमें रामायण में कैसे पता चलेगा। जब तक उसके जो गुण हैं वो स्वर गुण संपन्न ना हो तो हमें कैसे पता चलेगा, और वो उसके गुण कैसे निखर के आएंगे, कैसे दिखेंगे हमें उसके गुण, जब तक उसमें कोई उसका दुश्मन ना हो, जब तक उसमें कोई खलनायक ना हो। जैसे कि जो रावण था उसके जो गुण थे उसके अंदर, जो उसके अवगुण थे उससे क्या हो रहा था, ये देखिए राम है और यहाँ पर रावण है, तो रावण में जो अवगुण थे उससे हमें पता चल रहा था कि ये क्या है, एक बुरा व्यक्ति है, और ये क्या है, एक सही है, सही व्यक्ति है, जिससे हमें क्या पता चल रहा है कि जो राम है उसमें क्या है, मेन रोल है राम का। तो इसी तरीके से जो पात्र योजना की जाती है, उस पात्रों में जो चरित्र दिया जाता है, जिससे कि जो नायक होता है वो उभर कर सामने आता है कि नायक कौन है। तो ये मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल लिया है, आपको एग्जाम में लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है, ये यहाँ पर बस आपको समझाने के लिए लिया है। अब देखिए भाषा शिल्प, जो भाषा है, जो भाषा शिल्प मतलब या फिर भाषा शैली एक ही बात होती है। तो जो भाषा शैली होती है, जब आप किसी भी, जो भाषा शैली का मतलब क्या होता है, किस तरीके की जो भाषा है वो इस्तेमाल की जा रही है, तो जो भाषा है उसमें क्या है, सीधापन होना चाहिए, सरल होनी चाहिए, कोई अलंकृत या फिर मुहावरेदार भाषा नहीं होनी चाहिए, आम बोलचाल की भाषा होनी चाहिए। ऐसा मैं यहाँ पर क्यों कह रही हूँ कि आम बोलचाल की भाषा होनी चाहिए, क्योंकि अगर आप खुद भी देखिए कि अगर आप अपने दैनिक जीवन में, ये हमारा जीवन भी तो एक नाटक के समान ही है, हमारे साथ इतने सारे ट्विस्ट होते हैं, फिर हम उनसे लड़ झगड़ कर आगे बढ़ते हैं, अपनी समस्याओं को हल करते हुए आगे बढ़ते हैं, तो क्या है, तो इसमें क्या है, हम कोई मुहावरों का प्रयोग तो नहीं करते हैं हमेशा हर छोटी छोटी बातों पर, या फिर हम कुछ ना बोलकर सीधे मुहावरों में ही बात करते हैं, ऐसा तो नहीं होता है ना। या फिर हम अलंकृत भाषा में बात करते हैं, बिल्कुल भी नहीं, हम इतने ज्ञानी नहीं है कि हम समझ लें अलंकृत भाषा,
या फिर मुहावरे में ही बात करें तो क्या है, यहाँ पर जो भाषा है, भाषा शैली है या फिर भाषा शिल्प है, उसमें सीधी सरल और बिना अलंकृत और बिना मुहावरों की भाषा, यानी कि आम बोलचाल की भाषा का प्रयोग होना चाहिए नाटक में, जिससे कि हमें क्या समझ में आ सके नाटक अच्छे से और हमारा रोमांच बना रहे उसमें। अब देखिए ध्वनि योजना, जो ध्वनि है, ध्वनि किसे कहा जाता है, आवाज को, तो जो आवाज है उसकी भी व्यवस्था होनी चाहिए। अगर एक नाटक का मंचन किया जा रहा है तो उसमें हमें क्या देखना होता है, जो एक नाटककार अगर अपने नाटक को मंच पर प्रस्तुत कर रहा है तो सारी चीजें देखनी होगी ना, क्योंकि वहां पर जो पात्र होंगे, जो गढ़ रखे होंगे पात्र, वो अगर वहां पर जाकर एक्टिंग करेंगे तो उसके लिए वहां पर ध्वनि की व्यवस्था भी होनी चाहिए, जैसे कि माइक हो गया, स्पीकर हो गए, इस तरीके की जो व्यवस्था है वहां पर होनी चाहिए। तो अगर ध्वनि की सही व्यवस्था नहीं होगी तो इससे क्या होगा, इससे जो दर्शक होंगे उन्हें क्या होगी, उन्हें अगर आवाज नहीं आई तो इससे क्या होगा, इससे उनका ध्यान भटक जाएगा। अगर एक एग्जाम्पल लिया जाए तो ये एग्जाम्पल ले सकते हैं कि जैसे कि जो स्कूल में जो एनुअल फंक्शन होता है, या फिर अगर स्कूल में कोई भी फंक्शन होता है उसमें नाटक प्रस्तुत किया जाता है मंच पर, तो उसमें कभी ना कभी अगर माइक खराब हो जाए उनका या फिर स्पीकर में कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो क्या होता है, हम उस नाटक को देखने के बजाय क्या करते हैं, आपस में बातचीत करने स्टार्ट कर देते हैं, मतलब कि अपना ध्यान डाइवर्ट कर लेते हैं, ध्यान कहीं और लगा लेते हैं, तो जो नाटक है उसका हमें कुछ पता नहीं चलता। तो इससे क्या होगा, इससे नाटक हमें, जो दर्शकगण है उन्हें नाटक नहीं देखेगा। देखिए प्रकाश योजना, जो प्रकाश है वो भी सही प्रकार से होना चाहिए, जो प्रकाश, जो लाइटें होती हैं, प्रकाश मतलब लाइट होता है इंग्लिश में, जो प्रकाश है, जो वहां पर रोशनी आ रही है, उसकी व्यवस्था भी होनी चाहिए। अगर कहीं पर उजाला दिखाना है तो वहां पर उजाला दिखाइए। अगर कोई रात का सीन है, जैसे कि अगर आप मूवी देख रहे हैं ना, वैसा ही सेम क्या होता है, नाटक होता है देखने में किसी मंच पर, तो जहां पर पर्दा गिर रहा है वहां पर पर्दा गिरता है, फिर पर्दा खुलता है, फिर उसके बाद अगला दिन दिखाया जाता है, तो जब दिन की बात हो तो वहां पर ज्यादा रोशनी होनी चाहिए। कोई मेन व्यक्ति दिखाया जा रहा है, कोई मेन पात्र दिखाया जा रहा है, तो वहां पर प्रकाश होना चाहिए। अगर रात का सीन है, रात दिखाई जा रही है, तो रात का दृश्य है, तो वहां पर रोशनी कम कर देनी चाहिए। तो इन कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए प्रकाश को लेकर भी। अगर ऐसा नहीं होगा तो नाटक को देखने में ऐसा सत्यापन सा नहीं लगेगा, ऐसा लगेगा कोई नौटंकी ही चल रही है। पर जो नाटक है वो क्या है, हमारे दिल को छू जाए, इसके लिए बातें जरूरी है। अगला देखिए वेशभूषा, वेशभूषा भी मेन होती है। अगर जो वेशभूषा का मतलब क्या होता है, वेशभूषा का मतलब होता है जो कपड़े होते हैं, जो ज्वेलरीज होती हैं, जो कपड़े होते हैं, जो सजाव पात्रों का, जो पात्र को, जो पात्र होते हैं उन्हें तैयार किया जाता है, उनके पात्र रोल के हिसाब से तैयार किया जाता है। जैसे कि अगर आप सीरियल्स देखते हैं, मूवीज देखते हैं, तो उसमें क्या होता है, उसमें मेन पात्र होता है, जो मुख्य पात्र होता है उसे बहुत सुंदर तैयार किया जाता है, और जो खलनायक होता है उसे अजीब सा दिखाया जाता है, या फिर अगर कोई गरीबी का सीन है तो उसमें फटे हुए कपड़े दिखाए जाते हैं, उसमें से रुएं निकल रहे हैं, ये दिखाए जाते हैं कपड़ों में से। अगर कोई अमीरी का दिखा रहे हैं तो उसमें बहुत ज्यादा अमीर वाली चीजें दिखाई जाती है, कि मतलब कि उन्होंने इतनी ज्यादा ज्वेलरी पहन रखी है, इस तरीके से उनके कपड़े चमकदार हैं, इस तरीके की चीजें हमें कब समझ में आएंगी कि ये अमीर व्यक्ति है, गरीब व्यक्ति है या फिर मध्यम वर्ग का है, हमें कब पता चलेगा, हमें उनकी वेशभूषा के हिसाब से पता चलेगा कि ये अमीर है या गरीब है। अब देख, या फिर हमें ये कैसे पता चलेगा कि ये पुलिस है, इस रोल जो कर रहा है, जो पात्र है वो पुलिस है, कब पता चलेगा, जब उसकी वेशभूषा पुलिस वाली होगी। तो ये उदाहरण आप इसमें लिख सकते हैं। अगला देखिए रंगमंचीयता। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि नाटक जब तक पूर्ण नहीं होता, जब तक कि उसका मंचन नहीं किया जाता, रंग मंचन नहीं किया जाता, मतलब कि मंच पर उसका मंचन नहीं किया जाता जब तक जो नाटक है वो पूर्ण नहीं होता है,
तो ये थे नाटक के तत्व। मैं आशा करती हूँ कि आपको ये अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर नहीं आए, कुछ भी कंफ्यूजन है, तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं मुझे बेझिझक। मैं आपकी हेल्प करने की पूरी पूरी कोशिश करूंगी। अगर आपको समझ में आ गए हो, वीडियो अच्छी लगी हो, तो आप लाइक कीजिएगा। अगर ना लगी हो तो मैं आपसे अनुरोध करूंगी कि आप उसे डिसलाइक भी कर सकते हैं। अगर आप चैनल पर नए हो, अगर आप सब्सक्राइब करना चाहते हो तो आप कर सकते हैं, और साइड में जो बेल आइकन है उसे प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके फोन में आ सके। थैंक यू।